वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज के दारू और मैं हूँ आराधना। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ और जिसकी पिक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इससे मैंने पेटीएम से परचेज किया था और जो कि मुझे आज ही रिसीव हुई है और वो कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आई है। ये मटेरियल बहुत अच्छा है, मीन्स थोड़ा भी चीप क्वालिटी का ये पैकेट नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इस पैकेट की। अब मैं आप लोगों को ये साड़ी ओपन करके दिखाती हूँ। नेट साड़ी का रिव्यू बेसिकली मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज मुझसे बहुत सी गर्ल्स ने कमेंट्स में कहा था कि उनके स्कूल में साड़ी डे, उनके कॉलेज में साड़ी डे आने वाला है, तो उसके लिए मैं कुछ नेट साड़ीज़ का रिव्यू शेयर करूँ। तो मैंने ये कलर चूज़ किया बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रहा था और अगर जैसे कि मतलब ये एक बार वो साड़ी डे में वेयर कर लेंगी तो उसके बाद में अगर उनके घर में कोई उनकी मॉम है, उनकी भाभी है, उन लोगों को भी काम में आ सकती है, इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किया था। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि साड़ी कैसी है। दिखने में ये बहुत ज़्यादा सुंदर मुझे लगी है फ्रेंड्स। और इसका जो नेट का मटेरियल है, नेट का मटेरियल बहुत अच्छा है, मोनो नेट प्रोवाइड किया है, बहुत ही सॉफ्ट है और पूरे साड़ी पे हमें इस तरह का ये गोल्डन सीक्वेंस का वर्क मिल रहा है। गोल्डन जरी एम्ब्रॉयडरी है प्लस उसके ऊपर सीक्वेंस लगे हुए और ये पूरे साड़ी पे है टॉप से लेके बॉटम तक। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, प्लस बॉटम में हमें यहाँ पे इस तरह का ये गोल्डन पट्टी वाला बॉर्डर भी लगा हुआ मिल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और पूरी साड़ी भरी हुई है एम्ब्रॉयडरी से। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि मोस्टली क्या होता है कि साड़ी पे ऊपर का पार्ट वो प्लेन रखते हैं और बॉटम के पार्ट से हमें एम्ब्रॉयडरी मिलती है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूरे साड़ी पे हमें इस तरह का ये एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट मिल रहा है, प्लस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बॉटम में इस तरह का ये लेस मिल रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी दी गई है, एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छे से की गई है, कहीं से भी ऐसा नहीं कि कोई सीक्वेंस निकला हुआ या कोई थ्रेड निकला हुआ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी साड़ी इस तरह से भरी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये है इसका पल्लू का पार्ट, पल्लू पे हमें यहाँ पे भी बॉर्डर मिल रहा है, प्लस डाउन साइड में बॉर्डर तो है ही और पूरे पल्लू पे हमें इस तरह से ये भरा हुआ एम्ब्रॉयडरी मिल रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, आई एम श्योर पहनने के बाद ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी बिकॉज ये थोड़ा सा पार्टी वेयर काइंड ऑफ साड़ी भी है। इनफैक्ट अगर किसी वेडिंग में किसी को जाना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गर्ल्स अपने ट्रेडिशनल डे साड़ी डे के फंक्शन के बाद में इस साड़ी को अपने घर में किसी को भी दे सकते हैं यूज़ करने के लिए, मतलब ये साड़ी ऐसी पड़ी नहीं रहेगी, ये यूज़ में आ जाएगी। कोई भी किसी भी वेडिंग में जा रहा है, रिसेप्शन पार्टी में जा रहा है, किसी पार्टी में जा रहा है, तो वहाँ पर इस साड़ी को एकदम ईजिली कैरी कर सकते हैं। साड़ी बहुत अच्छी है, पल्लू इस तरह से है इसका पूरा और इसका जो कलर है ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, बहुत ही प्यारा कलर है ये। इसके साथ में हमें इस तरह का ये टफेटा सिल्क का ब्लाउज पीस का मटेरियल रिसीव हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर भी ये इस तरह की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, प्लस ये दोनों साइड हमें हैंड स्लीव्स पे ये एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। ये इस तरह से यहाँ पे स्टिच किया हुआ है, इसे मैं निकाल नहीं पाई हूँ, मैं इसे निकालना भूल गई हूँ। और इसका जो मटेरियल है टफेटा सिल्क का, ये भी बहुत अच्छा मटेरियल दिया है। एज यूजुअल हमें इसमें इनर लगाकर इसे स्टिच करवाना होगा और ये पैचेस हमारे हैंड स्लीव्स पे आएंगे और मैं इसका ब्लाउज बिल्कुल वैसा ही स्टिच करवाऊंगी जैसा कि मॉडल ने वेयर किया है। आप देख सकते हैं कि हैंड स्लीव्स पे यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी का पैच है, प्लस नीचे यहाँ पे उन्होंने फ्रिल बनवाया है, तो मुझे बहुत सुंदर लगा, मैं भी बिल्कुल वैसा ही स्टिच करवाने वाली हूँ, होप कि ये मुझ पर भी अच्छा लगेगा। इसके साथ में आपको दो कलर ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें बेज कलर था और ये पिंक कलर था। मैंने बेज कलर इसलिए चूज नहीं किया बिकॉज मेरे पास बेज कलर की काफ़ी ज़्यादा साड़ियाँ हैं, ऑलमोस्ट 4-5 तो होंगी और मोस्टली सीक्वेंस वर्क में, इसलिए मैंने ये वाला कलर चूज़ किया बिकॉज ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगा। इनफैक्ट ये किसी वेडिंग में पहनना चाहूँ तो उसमें भी काम आ जाएगा। तो दो कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे और इस साड़ी का जो कॉस्ट मैंने पे किया है वो है 1799 रुपीज़ और मुझे ये साड़ी वर्थ लग रही है बिकॉज साड़ी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि 1799 रुपीज़ कुछ ज़्यादा अमाउंट है। इनफैक्ट इसमें 10% कैशबैक भी मुझे मिला है, ऑनलाइन पे करने पर अराउंड कुछ 180 रुपीज़ का मुझे कैशबैक भी मिला है, तो आई एम रियली हैप्पी विद माई परचेज। पहनने के बाद ये साड़ी कैसी लगती है इसकी क्लिप में यहाँ पे ऐड करूँ, आप लोग उसे चेक कर सकते हैं।
इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडियाज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल रही है तो एक बड़ा सा लाइक देना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। सारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।